Hey guys, good morning. Hope you are doing good and welcome to my another vlog. Sunday morning है और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट हो रखा है. It's winter out here now और बेंगलोर का क्लाइमेट बहुत ही सुहाना हो रखा है. Appropriate time to travel somewhere. मैंने तो सोचा था कि कुछ एक्जोटिक लोकेशन जाना चाहिए ऐसे सिचुएशन पे लाइक गोवा पौंडीचेरी, बट ये ओमिक्रॉन के स्केयर में मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको पोस्टपोन करना चाहिए. मे बी आने वाले आगे ब्लॉग्स में आपको ये सब देखने को मिले. तो एक्जोटिक लोकेशन पर जा नहीं सकते, बट ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी नहीं ट्रैवल कर सकते. तो दो साल पहले मैं यहाँ पे एक ढाबा है इंद्रधनुष ढाबा, जहाँ का फूड मुझे बहुत ही अच्छा लगा था. और ये एग्जैक्टली मैं बोलूँगा तो 70 किलोमीटर्स है फ्रॉम बैंगलोर. इसको माइलस्टोन 70 भी बोला जाता है बिकॉज इट्स 70 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर एंड 70 किलोमीटर फ्रॉम मैसूर. तो एटलीस्ट वी कैन गो एंड एक्सप्लोर दैट प्लेस. निकलते काफ़ी लेट हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 11:40. मोस्ट प्रॉब्ली लंच टाइम तक ही हम लोग पहुंच पाएंगे क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट 1.5 घंटा लगता है. ये बेसिकली चन्ना पटना में सिचुएटेड है ये ढाबा, तो एक छोटा सा राइड हो ही जाएगा ऐसे. यहाँ से आगे जाके नाइस रोड लेते हैं और नाइस रोड से सीधा 15 मिनट में डायरेक्ट मैसूर रोड टच कर लेंगे थ्रू केनगिरी. सबसे अच्छा चीज़ जो नाइस रोड के बारे में ये है कि यहाँ से मैसूर रोड टच करने में सिर्फ 15 मिनट लगता है. तो ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है कि आपको एक बहुत ही अच्छे रास्ते में ड्राइव करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड यू कैन ड्राइव एट अ कंटिन्यूस स्पीड ऑफ सम अराउंड 80-90. आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं और उसके अलावा जस्ट 15 से 20 मिनट्स में आप केनगिरी टच कर सकते हैं और वहाँ से सीधा चना पटना. तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता है आपके लिए. तो गाइस हम लोग अभी पहुँच चुके हैं इंद्रधनुष ढाबा. यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा है ये जगह. वहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं एक CCD है, फिर यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर है और ये रहा इंद्रधनुष ढाबा और यहाँ पे KFC. यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये जो माइलस्टोन, सॉरी गाइस ये 67 है, मैंने आपको 70 बताया था वीडियो में. तो 67 किलोमीटर्स देख लीजिए मैसूर, 67 किलोमीटर्स बैंगलोर. तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेस लग रहा है यहाँ पे आके खाने वाने के लिए. और यहाँ पे कुछ एक है आर्टिस्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर्नाटका भी, यहाँ पे कुछ ऑफिस टाइप का लग रहा है. देखते हैं लंच के बाद शायद देखेंगे अगर यहाँ पे जाने का कुछ अलाउ करते हैं कि नहीं. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा रिजॉर्ट टाइप का कुछ एम्बियंस बनाया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे.
गाइस अपने सामने तो मेनू भी आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स हैं। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट भी मिलता है आपको यहाँ पे 7 बजे, डोसा सब है, फिर नॉर्थ इंडियन है, फिर स्टार्टर्स है, फोटो में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सब कुछ, फिर सूप्स एंड सलाद भी है, बस दैट्स इट। फोटो भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा दिख रहा है। गाइस प्राइस आप देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी रीजनेबल तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे प्राइस, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट ढाबा जो स्पेशल हाईवेज में है। तो गाइस ये जो ढाबा है ये प्योर वेज ढाबा है, तो आप अगर ग्रुप में आ रहे हैं और आपके साथ कोई नॉन वेजिटेरियन है तो बगल में KFC है, तो आप आराम से जाके KFC में खाना खा सकते हैं, वरना यू कैन कम हियर एंड एंजॉय द लोकल फूड हियर एंड प्योर वेज विच इज़ रियली नाइस। तो गाइस हमने अपने लिए एक बटर रोटी, दाल तड़का, वेज कोफ्ता और वेज बिरयानी मंगाया है, और एक वेज थाली भी मंगाया है जो थोड़ी देर में शायद आने वाला है। तो हमने एक और थाली भी मंगाया है, आप देख सकते हैं इसमें राइस है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, कर्ड है, स्वीट है, सो कंप्लीट मील प्रोवाइड किया गया। सो फूड वर्डिक्ट गाइस, ऑनेस्ट सजेशन, अवॉइड नॉर्थ थाली। तो थाली में कुछ ऐसा खास था नहीं, और जो था वो उसमें बिल्कुल मज़ा आया नहीं इतना। कोफ्ता और जो बाकी सब चीज़ें हमने ऑर्डर किया था वो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट था। हाँ थैंक यू सो मच भैया, और सर्विस रियली बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी बोलूँगा कि आप चाहो तो बिरयानी भी अवॉइड कर सकते हो, वो इतना अच्छा नहीं था, उसके बदले जीरा राइस या फिर आप कुछ पुलाव ऑर्डर कर सकते हो तो जो बेटर टेस्ट है। तो ऑल इन ऑल आई विल से इट्स 3.75 आउट ऑफ 5, एंड जस्ट बिकॉज लाइक द सर्विस इज ऑल्सो रियली गुड और खाना भी अच्छा। देख रहे हैं मेरे पीछे CCD भी है, तो वहाँ पर CC में आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छा चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। पहले बोला था जैसे नॉन वेज पीपल कैन ऑल्सो कम एंड हैव सम नॉन वेज फूड एट KFC एज वेल। गाइस खाने के बाद डेजर्ट तो बनता है, एंड व्हाट बेटर देन दिस मेराकी, एंड आई हैव ऑर्डर्ड फॉर माई सेल्फ दिस रम एंड रेजिन आइसक्रीम जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, यू कैन सी दैट। इसको टेस्ट करके बताता हूँ मैं कैसा है वैसे। सो गाइस ये था मेरा एक छोटा सा शॉर्ट राइड का एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस गोइंग अहेड। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोग एटलीस्ट जब करेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा टू वर्क हार्ड एंड ब्रिंग सम गुड मोर गुड वीडियोस फॉर यू। साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।